सफर पर जाना हर किसी को पसंद होता है, हर कोई सफर में काफी ज्यादा खुश भी रहता है। पर एक चीज जो सफर में हमेशा दिखाई देती है और लोग शायद देखते भी होंगे पर नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोगों को उसके पीछे की वजह नहीं पता है, जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सड़क के किनारे बने उन माइलस्टोन्स के बारे में जो आप अक्सर देखते होंगे और वो कुछ ना कुछ बताते हैं, उनके पीछे कोई राज भी छुपा हुआ है, ये भी हम आपको बता दें। इसलिए आज हम आपको उन माइलस्टोन के डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर उनका मतलब क्या है और वो क्या कहते हैं। आपको बता दें कि सड़क पर बने अलग अलग रंग के ये माइलस्टोन्स एक तरह से कलर कोड्स हैं जो ये शो करते हैं कि आप किस प्रकार की सड़क या हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं, यानी कि सफर कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको अलग अलग रंगों का मतलब क्या है। सबसे पहले पीले रंग के माइलस्टोन, आपको बता दें कि आपने सफर करते वक्त सड़क पर पीले रंग के स्ट्रिप वाले माइलस्टोन्स को देखा होगा, जिसका मतलब ये है कि आप नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय हाईवे पर हैं। ये पीले रंग के माइलस्टोन केवल भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि हाईवे पर ही लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं हरे रंग के माइलस्टोन की। आपको बता दें कि अगर आपको सड़क के किनारे हरे रंग के स्ट्रिप वाले माइलस्टोन दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आप राज्य मार्ग यानी कि राज्य हाईवे स्टेट हाईवे पर हैं। भारत में जब सड़कों का निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है तो हरे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सड़कों का राग रखाव पूरी तरह से राज्य द्वारा ही किया जाता है। काले, नीले और सफेद स्ट्रिप वाले माइलस्टोन, इस तरह के माइलस्टोन का मतलब ये है कि आप किसी बड़े शहर या किसी जिले के अंदर हैं। साथ ही इन सड़कों को राख रखाव जिले के अंतर्गत या कहें कि केवल उसी शहर के प्रशासन द्वारा किया जाता है। नारंगी स्ट्रिप वाले माइलस्टोन, बता दें कि इस तरह के माइलस्टोन जब आप गांव के अंदर होंगे तब आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रिप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी दर्शाता है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।